ट्यूबरोज कॉरपोरेशन में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। सो आज का टॉपिक है एक्सपोर्ट के बारे में बात करने जा रहा हूँ। हाउ टू एक्सपोर्ट टू सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक CAR। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक को आप कैसे भारत से एक्सपोर्ट करोगे उसके बारे में आज आपको मैं विस्तार में डिस्कस करूंगा, डिटेल्स में बताऊंगा इस वीडियो में। हाउ टू एक्सपोर्ट टू सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। सो इस वीडियो में मैं कवर करूंगा सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक का लोकेशन के बारे में, उनका जो राजधानी, पॉपुलेशन, करेंसी और उनका जो इकोनॉमी के बारे में, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक का पोर्ट, सी पोर्ट्स एंड एयरपोर्ट्स के बारे में, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक क्या एक्सपोर्ट करता है, क्या इम्पोर्ट करता है और भारत के एक्सपोर्टर्स क्या क्या प्रोडक्ट सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक को एक्सपोर्ट करते हैं और कैसे आपको सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक से आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। तो पूरी डिटेल्स में आज आपको इस वीडियो में डिटेल्स में मैं बताऊंगा हाउ टू एक्सपोर्ट टू सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। सो आइए स्टार्ट करते हैं द वीडियो हाउ टू एक्सपोर्ट टू सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। कैसे आप सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक को एक्सपोर्ट करोगे। सो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, कैसे आप सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक को भारत से एक्सपोर्ट करोगे। सो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, जैसा उसका नाम है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का जो मिडिल में लोकेटेड है, पूरा सेंटर में लोकेटेड है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक का राजधानी यानी कैपिटल का नाम है सांगुई। पॉपुलेशन है 48 लाख का पॉपुलेशन है और कितने सारे भारतीय यानी इंडियंस वहाँ पर रहते हैं उसका पूरा सटीक हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। फिलहाल अप्रोक्सीमेटली 300 से 400 इंडियंस वहाँ पर रहते हैं और बिजनेस करते हैं और काफ़ी सारे इंडियंस प्रोजेक्ट के हिसाब से वहाँ पर जाके, प्रोजेक्ट के हिसाब से वहाँ पर काम करके रिटर्न आ जाते हैं इन सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। जैसे बता दिया उसका कैपिटल का नाम है बांगुई और उसका जो पॉपुलेशन है 48 लाख का पॉपुलेशन है। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक का जो भाषा है, लैंग्वेज है फ्रेंच और उनका जो सैंगो, दो भाषा में बात करते हैं। सैंगो भाषा जो है उनका लोकल भाषा है और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक जो पहला एक फ्रांस का कॉलोनी था इसलिए अभी भी फ्रेंच लैंग्वेज वहाँ चलता है। ऑफिशियल लैंग्वेज है फ्रेंच है और सैंगो है। और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक का जो करेंसी का नाम है सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक। सो जो सेंट्रल अफ्रीकन फ्रांक जो है उसका जो वैल्यू है इंडियन करेंसी से कम है। वन इंडियन रुपीज़ सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक का जो फ्रांक है उसका आज के तारीख में उसका जो वैल्यू होगा 77.41, यानी एक रुपया में वहाँ पर उनको 7.41 फ्रांक मिलेगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको बता दूंगा कि सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक का लोकेशन कहाँ पर है और कितने सारे कंट्रीज उनका नेबर्स है, मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ उनका मैप में, आप देख लीजिए। सो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक जो है मिडिल ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है। उनका जो नॉर्थ में है छाद है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में सूडान है, ईस्टर्न पार्ट में है साउथ सूडान, साउथ में है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और साउथ वेस्टर्न पार्ट में है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, वेस्टर्न पार्ट में है कैमरून और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में है नाइजेरिया। आप पूरे देख सकते हैं कितने सारे कंट्री लोकेटेड है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक का जो नेबरिंग कंट्रीज है। सो आपको मैं डिटेल्स में बता दिया सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक का कितने सारे नेबरिंग कंट्रीज है, काफी सारे नेबरिंग कंट्रीज है। साउथ सूडान है, छाद है उनका जो, बाकी जो कैमरून है, नाइजीरिया है, बहुत सारे कंट्रीज जो उनका नेबरिंग कंट्रीज है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक का। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक को कहा जाता है कि वर्ल्ड का सबसे पोरेस्ट कंट्री है, बहुत पोर कंट्री है। वहाँ का जो लोगों का जो एक पर्सन का जो मिनिमम इनकम है इंडियन रुपीज 3,000 3,500 का रुपीज़ का नीचे है, यानी बहुत काफ़ी पोर है कंट्री, बहुत काफ़ी पोर है।
और कंट्री के पास काफी सारे नेचुरल रिसोर्सेस है, डायमंड, गोल्ड और बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेस है, और काफी सारे प्रोडक्ट को जो एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन ज्यादा करके जो माइंस है गवर्नमेंट का हाथ में है और प्राइवेट कंपनीज भी उसको इन्वेस्ट करते हैं। और आगे मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या प्रोडक्ट सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक एक्सपोर्ट करता है, कितने सारे प्रोडक्ट इम्पोर्ट करता है, और इंडियन गवर्नमेंट के साथ सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक का अच्छा रिलेशन है। काफी सारे जो इंटरनेशनल फोरम है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक इंडियन गवर्नमेंट को हेल्प करता है, और इंडियन गवर्नमेंट भी फाइनेंशियली काफी सारे प्रोजेक्ट में सेंट्रल अफ्रीकन गवर्नमेंट को हेल्प करता है। इंडियन गवर्नमेंट ने काफी सारे लाइन ऑफ क्रेडिट दे चुका है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक को, जैसा कि इंडियन गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट यानी जो उनका फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट किया है इन सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में, एक बहुत बड़ा जो सीमेंट प्लांट के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, उनका जो काफी सारे माइनिंग में इन्वेस्टमेंट किया है, और उनका जो 100 बसेस के ऊपर बस इंडिया से उनको फ्री में दिया गया है, क्योंकि सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक काफी पुअर कंट्री है, काफी गरीब कंट्री है। आपको बता दिया 48 लाख का पॉपुलेशन है, लेकिन पूरा कंट्री में करीब 3,000 से लेकर 3,500 जो उनका व्हीकल्स है, पब्लिक व्हीकल्स है, यानी उनके पास पब्लिक के लिए बसेस या कोई कार्स कुछ भी उनके पास ज्यादा नहीं है। 48 लाख पॉपुलेशन में करीब 3,500 उनका पब्लिक व्हीकल्स है, इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको काफी सारे लाइन ऑफ क्रेडिट दे चुका है और 100 बसेस गिफ्ट दिया है, और काफी सारे जो उनका बसेस का जो उनको मेंटेन के लिए गैरेज वगैरह करके दिया है। इसलिए सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक जो है इंडियन गवर्नमेंट के साथ अच्छा ताल्लुकात है, और उनका जो बांगुई में उनका जो कैपिटल बांगुई में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग सेंटर भी इंडियन गवर्नमेंट ने हेल्प किया है खोलने के लिए, ताकि वहाँ का जो बच्चे लोग को पढ़ाई कर सके इन आईटी में, ठीक है। तो काफी सारे क्रेडिट ऑफ लाइन ऑफ क्रेडिट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको सपोर्ट किया है और दिया है, और काफी सारे प्रोडक्ट इंडियन गवर्नमेंट उनको एक्सपोर्ट करता है और इम्पोर्ट भी वहां से होता है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक जो उनके पास कितने सारे सी पोर्ट्स है और कितने सारे एयरपोर्ट्स है, ठीक है। तो उनके पास जो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक जो आपको बता दिया सेंटर में लोकेटेड है, मिडिल ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है, इसलिए उनका कोई भी नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट में कोई भी समुन्द्र को सी को टच नहीं है, इसलिए उनके पास खुद का सी पोर्ट नहीं है। इसलिए उनका जो वेस्टर्न पार्ट में एक कंट्री है कैमरून, कैमरून का एक पोर्ट है द्वाला, द्वाला जो है उनका कैमरून का पोर्ट है। तो द्वाला से द्वाला का पोर्ट को जो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक यूज करता है, तो जब भी आप एक्सपोर्ट करोगे इंडिया टू सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक तो आपको कोटेशन बनाना पड़ेगा इंडिया का कोई भी सी पोर्ट टू द्वाला, द्वाला सी पोर्ट ऑफ कैमरून। तो द्वाला से जब आपका शिपमेंट पहुंचेगा, आपका कॉन्टिनेंट पहुंचेगा, तो द्वाला से मंगुई उनका जो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक का जो उनका कैपिटल है वहां तक आपका जो ट्रक है, आपका जो कंटेनर है ट्रक के जरिए कैमरून टू मंगुई आ जाएगा सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। तो हमेशा याद रखिएगा जब आपका शिपमेंट जाएगा सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में कोई पोर्ट नहीं है, सी पोर्ट नहीं है, इसलिए आपका इंडिया का कोई भी सी पोर्ट तो आप कोटेशन बनाओगे द्वाला पोर्ट, द्वाला सी पोर्ट, कैमरून, कैमरून से आपका आपका जो कंटेनर है चले आएगा बाई ट्रक में, बाई ट्रेलर में आ जाएगा कैमरून टू द्वाला टू मंगुई सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, ठीक है, ये याद रखिएगा। और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के पास करीब 50 के ऊपर एयरपोर्ट्स है, लेकिन काफी सारे एयरपोर्ट जो ऑपरेशनल नहीं है, और काफी सारे एयरपोर्ट उनका जो डोमेस्टिक टाइप का एयरपोर्ट्स है, ठीक है, लेकिन एक ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसका जो नाम मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन में देख लीजिएगा, तो मंगुई एम पोको इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये उनका एक ही इंटरनेशनल देश का एक ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, एक ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक का, ठीक है। तो याद रखिएगा उनके पास 50 तक 50 तक एयरपोर्ट्स है, 50 के अबव एयरपोर्ट्स है, लेकिन काफी सारे एयरपोर्ट्स ऑपरेशनल नहीं है, काफी सारे एयरपोर्ट जो डोमेस्टिक ऑपरेशन होता है, और एक ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो आपको दिखा दिया सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक का। तो जब इंडिया से आप एयर कार्गो में एक्सपोर्ट करोगे सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, तो इंडिया का कोई भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसे न्यू दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, हैदराबाद, कलकत्ता, बेंगलोर और केरल का काफी सारे एयरपोर्ट्स, जितने सारे एयरपोर्ट से आप सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक को एक्सपोर्ट करोगे बाई एयर कार्गो, तो एक ही आपको बता दिया मंगुई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को आप एक्सपोर्ट कर पाओगे, डायरेक्ट फ्लाइट्स नहीं है। तो कितने सारे एयरलाइंस ऑपरेट कर रहा है इंडिया टू
सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, मैं आपको स्क्रीन में दिखा देख लीजिए, तो इन्हीं एयरलाइंस को, ये जो एयरलाइंस है वाया होके जाता है, वाया दुबई, कतार एंड इजिप्ट एंड तुर्की होके फ्लाई होता है इंडिया टू मिडिल ईस्ट होके फ्लाई होता है। तो आप इन्हीं एयरलाइंस का कार्गो सेक्शन को लिख सकते हैं कि आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो इंडिया टू सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, तो आपको प्राइस बता देंगे क्या प्राइस आएगा। नहीं तो गूगल में आप सर्च करिए द लिस्ट ऑफ इंटरनेशनल सॉरी द लिस्ट ऑफ एयर कार्गो कंपनीज ऑपरेटिंग फ्रॉम इंडिया टू सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, तो काफ़ी सारे एयर कार्गो कंपनीज आपको मिलेंगे गूगल में। तो आप उनको लिख सकते हैं कि आप इंडिया टू सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक बाय एयर कार्गो में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आपको प्राइस बता देंगे, फिर आप एयर कार्गो के जरिए एक्सपोर्ट कर सकते हैं। नहीं तो आप गूगल में सी कार्गो में करना चाहते हो तो आप गूगल में सर्च करिए एयर कार्गो सॉरी एयर शिपिंग लाइन्स शिपिंग कंपनीज ऑपरेटिंग फ्रॉम इंडिया टू सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और ऑपरेटिंग फ्रॉम इंडिया टू कैमरून द्वारा, तो आपको काफ़ी सारे शिपिंग कंपनी दिखाई देंगे। नहीं तो आप उन्हीं कंपनी को शिपिंग कंपनी को लिखिए कि आप इंडिया का आपका पोर्ट बता दीजिए, आप कौन सा पोर्ट में लोकेटेड हो। इंडिया में काफ़ी सारे पोर्ट्स हैं, जैसा कि आपका गुजरात में, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल, इन्हीं राज्यों में जितने सारे पोर्ट्स हैं, आप अगर इन्हीं पोर्ट कोई भी पोर्ट आपका इजी होता है तो वहाँ से आप कैमरून द्वारा को कोटेशन बना के चेक कर सकते हैं कि प्राइस का क्या आएगा 40 फीट 20 फीट कंटेनर को। नहीं तो कोगोपोर्ट.com एक अच्छा साइट है इंडिया का, कोगोपोर्ट.com, ये साइट में आप चेक करिए कोगोपोर्ट.com में, तो आपको आप लिखिए आपका इंडिया का पोर्ट का नाम लिखिए और द्वारा कैमरून का पोर्ट का नाम लिखिए, आपको शिपिंग कंपनी काफ़ी दिखाई देगा और कंटेनर का प्राइस दिखा देगा, फिर आप ऑनलाइन में आप बुकिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन आप बुक कर सकते हैं कोगोपोर्ट.com में। और इंडिया ट्रेड पोर्टल indiantradeportal.in इंडिया का एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अच्छा वेबसाइट है, आप इसको पढ़िए, आपको काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए। ठीक है, तो आपको मैं बता दिया कि कैसे आप एक्सपोर्ट करोगे फ्रॉम इंडिया टू सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। तो आपको जैसा बता दिया, आप कोटेशन बनाइए इंडिया का कोई भी सी पोर्ट हो, द्वारा सी पोर्ट ऑफ कैमरून टू मांगुई सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक को बाई ट्रक में आपका कंटेनर पहुंचा दिया जाएगा। आप अगर शिपिंग कंपनी के साथ आप बुकिंग करोगे तो शिपिंग कंपनी जो होता है द्वारा में, जब आपका कंटेनर पहुंचेगा तो उनका ट्रकिंग कंपनी के साथ टाइप रहता है, तो आपका प्राइस आपको टोटल प्राइस आपको बता देंगे इंडिया टू सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, तो एक ही साथ आप पेमेंट करोगे। तो जैसे आपका कंटेनर द्वारा पोर्ट में पहुंचेगा तो वहाँ का ट्रकिंग कंपनी आपका कंटेनर को बाई ट्रक में ट्रक के जरिए पहुंचा देंगे सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक का कैपिटल में। ठीक है, तो डिटेल्स आपको बता दिया सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक का, जो कैसे एक्सपोर्ट करोगे। अभी मैं आपको बताऊंगा क्या क्या प्रोडक्ट इंडिया सॉरी सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट करता है, मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, एक प्रोडक्ट पढ़ लीजिए। तो एक्सपोर्ट में सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक एक्सपोर्ट करता है डायमंड्स, टिम्बर, कॉटन, कॉफी और बटन को एक्सपोर्ट करता है। तो उनका मेन एक्सपोर्ट पार्टनर है फ्रांस, बुरुंडी, चाइना, कैमरून, ऑस्ट्रिया, उनका जो मेन एक्सपोर्ट पार्टनर है। और इंपोर्ट क्या करता है, उनका मेजर इंपोर्ट प्रोडक्ट है रिफाइंड पेट्रोलियम, पैकेज मेकिंग, मेडिकामेंट्स, पेट्रोलियम गैस, ब्रॉडकास्टिंग इक्विपमेंट एंड यूजिंग क्लोथिंग। ठीक है, तो आपको मैं डिटेल्स में दिखा दिया, आपको मैंने डिटेल्स में दिखा दिया सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक क्या एक्सपोर्ट करता है, क्या इम्पोर्ट करता है। ज़्यादा करके यूज क्लॉथ होता है, पुराना कपड़े इंडिया से भी एक्सपोर्ट आप कर पाओगे, क्योंकि एक बहुत पुअर कंट्री है, बहुत गरीब देश है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, लोगों के पास ज़्यादा नौकरी नहीं है, और लोगों जो लोग है एक आदमी इंडियन रुपीज 3,000 to 3,500 के नीचे पर मंथ कमाता है। ठीक है, उसका मतलब होता है पर डे एक आदमी 50-60 रुपीज पर डे कमा पाता है, इसीलिए लोगों के पास परचेसिंग पावर नहीं है। सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री गरीब देश है, लोगों के पास परचेसिंग पावर नहीं है, इसीलिए इंडिया से क्लोथिंग वर्ल्ड वाइड जो पुराना कपड़े हैं सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक इंपोर्ट करता है और बहुत सस्ता दाम पे वहाँ बेची जाती है। इसलिए इंडिया से अगर आप कोई भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करोगे तो आप सस्ते से सस्ते प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट करोगे, ज़्यादा महंगा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट मत कीजिएगा, क्योंकि लोगों के पास परचेसिंग पावर ज़्यादा नहीं है। जो गवर्नमेंट ऑफिशियल से गवर्नमेंट में है और बड़े पैसे वाले लोग हैं वही इंपोर्ट करते हैं, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री, अमेरिका, चाइना, इंडिया से इंपोर्ट करते रहते हैं, लेकिन बाकी जो देश का 80% जो लोग है गरीब है और काफ़ी उनके पास परचेसिंग पावर नहीं है। ठीक है,
तो उस हिसाब से आप देखिएगा कि क्या क्या एक्सपोर्ट कर पाओगे, क्या क्या इम्पोर्ट कर पाओगे, इम्पोर्ट करोगे इन कंट्री में, ठीक है। अगर आप डायमंड वगैरह इम्पोर्ट करते हो तो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में आप अच्छे सस्ता में आप इम्पोर्ट कर पाओगे डायमंड, क्योंकि सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक जो है गरीब देश है और ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग है वहाँ का जो लोकल लोग है डायमंड स्मगल करके सस्ता में बेचते हैं। इसीलिए सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक जब आप ट्रैवल करोगे तो आपको बहुत सस्ता में डायमंड मिल सकता है अगर आप बाय करोगे, लेकिन डिपेंड करता है आपके पास अगर रिसोर्सेस है, आपके पास अगर कॉन्ट्रैक्ट है। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में ज़्यादा करके जो उनका अनरेस्ट रहता है, वायलेंस रहता है, उनका कंट्री के अंदर वार चलते रहता है, इसीलिए तो आप ट्रैवल करोगे तो आप अपने आप को संभाल के ट्रैवल करिएगा, और आपके पास अगर अच्छा कॉन्ट्रैक्ट है तो आप ट्रैवल करिएगा, वार जोन है इसीलिए संभाल के ट्रैवल करिएगा, और अपने आप को जब ट्रैवल करोगे तो इंडियन गवर्नमेंट का जो कॉन्सुलेट जनरल है इंडियन एम्बेसी के साथ कॉन्टैक्ट टच में रहिएगा, और आपका अगर अच्छा कॉन्ट्रैक्ट है इन सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक कैपिटल में तो उस हिसाब से अच्छा सिक्योर होटल में रहिएगा, और आपके हिसाब से आप ट्रैवल करिएगा उनका इंटीरियर को, क्योंकि इंटीरियर जोन में ज़्यादा करके जो क्राइम रहता है और वार चलता रहता है, इंटीरियर एरिया में वार चलता रहता है गवर्नमेंट एंड उनका जो रिबल फोर्सेस के साथ, इसलिए आप अपने आप को संभाल के ट्रैवल करिएगा, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक जो इंडिया से क्या क्या इंपोर्ट करता है, यानी इंडियन गवर्नमेंट इंडिया का एक्सपोर्टर्स क्या क्या प्रोडक्ट सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक को एक्सपोर्ट करते हैं। तो नॉर्मली बहुत सारे प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होता है इंडिया से, तो उसमें से ज़्यादा करके क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होता है मैं आपको बता रहा हूँ। तो ज़्यादा करके फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होता है, और टेक्सटाइल आर्टिकल्स और वन क्लॉथिंग, सिरामिक प्रोडक्ट, टूल्स, इम्प्लीमेंट्स, कटलरी ऑफ बेस मेटल और प्रिंटेड बुक्स, न्यूज़पेपर्स, पिक्चर्स, आयरन एंड स्टील, प्लास्टिक्स, आर्टिकल्स ऑफ आयरन एंड स्टील, अल्मीनियम, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, व्हीकल्स अदर देन रेलवे, ट्रामवे, कटन मशीनरी, न्यूक्लियर रिएक्टर, बॉयलर, मीट एंड एडिबल मीट, ऑफाल, रबर्स। तो ये जो प्रोडक्ट है ये मेन प्रोडक्ट है टू एक्सपोर्ट टू सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक जैसा बताया जाए काफ़ी पोरेस्ट कंट्री है, गरीब देश है, और उनका जो काफ़ी सारे लोग जो है लोगों के पास क्या है मेडिसिन का यानी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का काफ़ी डिमांड है, क्योंकि 13-15% लोगों जो बीमारी है एड्स वायरस बीमारी है, और काफ़ी सारे प्रोडक्ट जो है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हेल्थ केयर प्रोडक्ट इंडिया एक्सपोर्ट करता है टू सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में अगर आप मेडिसिन का बिजनेस करोगे, मेडिकल स्टोर वगैरह आप स्टार्ट करोगे तो अच्छा फायदेमंद होगा आपके लिए। तो आगे मैं एक वीडियो बनाऊंगा कैसे आप सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में आपका खुद का बिजनेस स्टार्ट करोगे, मैं आगे एक वीडियो बनाऊंगा। तो फिलहाल आपको मैं बता दिया क्या क्या प्रोडक्ट मेन प्रोडक्ट इंडिया एक्सपोर्ट्स टू सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। अभी मैं आपको पूरा लिस्ट करके बता रहा हूँ इंडिया एक्सपोर्ट्स कर रहा है टू सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। तो क्या क्या प्रोडक्ट इंडिया एक्सपोर्ट्स टू सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक मैं आपको लिस्ट करके स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए। सो मैंने आपको काफ़ी सारे प्रोडक्ट दिखा दिया इंडिया एक्सपोर्ट्स टू सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, ठीक है। तो जब आपने पूरा देख लीजिएगा
क्या क्या प्रोडक्ट इंडिया एक्सपोर्ट्स टू सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, तो उस हिसाब से आप एक्सपोर्ट का स्टार्ट कर लीजिए। अगर आप एक नए कंपनी हो या स्टार्टअप कंपनी हो या एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आपको मालूम नहीं है इंडिया से कहाँ से प्रोडक्ट सोर्स करोगे, कौन सा राज्य में, कौन सा सिटी में क्या क्या प्रोडक्ट आप सोर्स कर पाओगे, आपको मालूम नहीं है, तो इंडिया के हमारे इंडिया के पास करीब 13-12 अच्छे B2B ट्रेड पोर्टल येलो पेजेस है जहाँ पर आप सोर्स कर सकते हैं आपका प्रोडक्ट। तो आपको मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीन में, देख लीजिए जो ये वेबसाइट्स है, ये है इम्पोर्टेंट वेबसाइट्स ऑफ इंडिया, B2B ट्रेड पोर्टल्स वेबसाइट्स ऑफ इंडिया। इन्हीं वेबसाइट्स के जरिए, इन्हीं वेबसाइट से आप सोर्स करके आपका प्रोडक्ट इंडिया का कोई भी राज्य से सोर्स करके आप सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक को एक्सपोर्ट कर सकते हैं या कोई भी कंट्री वर्ल्ड में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप आउट ऑफ इंडिया में कहीं लोकेटेड हो और आपको हिंदी समझ में आ रहा है, मेरा हिंदी समझ में आ रहा है, और आप इंडिया से कुछ इंपोर्ट करना चाहते हो, तो जितने सारे वेबसाइट्स दिखा दिया, इंडिया के इंपोर्टेंट B2B ट्रेड पोर्टल्स दिखा दिया, इन्हीं वेबसाइट्स के जरिए आप चेक करके, सोर्स करके इन्हीं वेबसाइट से आप इंपोर्ट कर सकते हैं इंडिया से कोई भी प्रोडक्ट, ठीक है। तो अगर आप एक नए एक्सपोर्टर हो और एक्सपोर्ट करना चाहते हो, जैसे ही आप एक्सपोर्ट करने से पहले इन्हीं वेबसाइट का, इंडिया का जितने सारे वेबसाइट दिखा दिया, इन्हीं वेबसाइट्स में आपको रजिस्टर करके आपका कंपनी को रजिस्टर करना पड़ेगा, क्योंकि वर्ल्ड में जितने सारे कंट्रीज है इंपोर्ट करते हैं इंडिया से, इन्हीं वेबसाइट से सर्च करके इंपोर्ट करते हैं, इसलिए आपको बहुत जरूरी है इन्हीं वेबसाइट में आपको रजिस्टर करके आपको कंपनी को लिस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो डिटेल्स आपको बता दिया, अभी मैं आपको बताऊंगा कि एक्सपोर्ट कैसे करोगे, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक से आपको कैसे एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेगा, मैं आपको बताऊंगा। तो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, जैसे आपको बता दिया, बहुत गरीब देश है और ज़्यादा इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं होता है, इसीलिए सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में ज़्यादा येलो पेजेस नहीं है और ज़्यादा उनका जो क्लासिफाइड वेबसाइट्स नहीं है और ज़्यादा लोग और जो ऑनलाइन न्यूज़पेपर्स भी नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि गरीब देश है, इसलिए हमारे पास ज़्यादा रिसोर्सेस नहीं है इंटरनेट में, इसलिए जो जितने सारे इम्पोर्टेंट वेबसाइट्स है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक का, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वेबसाइट है उनका, तो इन्हीं वेबसाइट पे आप सर्च कर सकते हैं जो अफ्रीका का येलो पेजेस है उसमें सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक ढूंढ सकते हैं, और उनका पास जो न्यूज़पेपर है, काफ़ी न्यूज़पेपर फ्रेंच में है, इंग्लिश में नहीं है, तो जितने इम्पोर्टेंट में आपको मैं दिखा रहा हूँ और दिखा दिया, तो आप इन्हीं न्यूज़पेपर और ऑनलाइन न्यूज़पेपर ऑनलाइन येलो पेजेस में आप सर्च कर सकते हैं कंपनीज। तो ये इंटरनेट के जरिए आप कैसा इंपोर्टर्स ढूंढोगे आपको फायदेमंद नहीं हो पाएगा, इसीलिए सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक को अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आपको ट्रेडिशनल तरीका अपनाना पड़ेगा। तो ट्रेडिशनल तरीका क्या है कि आप इंडियन एम्बेसी, इंडियन कौंसुल जनरल इन सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक एंड नेबरिंग कंट्री को कॉन्टैक्ट करिए। अगर इंडियन एम्बेसी के पास, इंडियन कौंसुल जनरल के पास सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक का कोई कंपनी का लिस्ट या डाटा है तो आपको बता देंगे, दे देंगे भाई ईमेल के जरिए, फिर ईमेल के जरिए आप सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं वहाँ का इंपोर्टर्स को। और एक तरीका है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक को आप ट्रैवल करिए मांगोई, उनका जो कैपिटल में, थोड़े दिन, 1-2 महीना रुकिए और आप पर्सनली वॉकिंग जाके कंपनी को कॉन्टैक्ट करिए, इंपोर्टर्स को कॉन्टैक्ट करिए और आपको वहाँ का इंपोर्ट करने के लिए एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिल सकता है। क्योंकि अगर ट्रैवल नहीं करोगे तो काफ़ी मुश्किल है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक से ऑर्डर पाने के लिए, क्योंकि सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के पास ज़्यादा इंटरनेट यूज नहीं करते लोग, और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के ज़्यादा ट्रेडर्स जो है मांगुई और नेबरिंग कंट्रीज केनिया एंड दुबई में जो एक्सपो होता है वहाँ पर अटेंड करते हैं। तो एक्सपो में अगर ज्वाइन करोगे सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और उनका नेबरिंग कंट्रीज और दुबई में जो एक्सपो होता है, अगर आप एक्सपो में ज्वाइन करोगे, एक्सपो में भाग लोगे, तो आपको सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक से एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल सकता है। लेकिन अच्छा तरीका है, अच्छा उपाय है, आप सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक ट्रैवल करिए और वहाँ रुकिए, 1-2 महीना रुकिए उनका कैपिटल में, अच्छा सिक्योर होटल में रुकिए और मार्केटिंग करिए और आपको अच्छा वहाँ ऑर्डर मिल सकता है, ठीक है। वहाँ का लोग काफ़ी अच्छा है लेकिन क्राइम ज़्यादा है और अनरेस्ट है, इसलिए आप संभाल के, अपने आप को संभाल के वेरी केयरफुली ट्रैवल करिएगा, और वहाँ का वहाँ से जब ट्रैवल करोगे, इंटीरियर ट्रैवल करने से पहले आप पहले वहाँ का जो लोकेशन के बारे में जान लीजिएगा, लोकेशन क्या है, कैसा है, सबको जानने के बाद आप ट्रैवल करिएगा, ठीक है। तो ट्रैवल टिप्स आपको बता दिया, तो मैं डिटेल्स में बता दिया आप कैसे सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक एक्सपोर्ट करोगे, क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करोगे और कैसे आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेगा, काफ़ी डिटेल्स आपको बता दिया। तो आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा। और अच्छा, और एक अच्छा तरीका है, डिजिटल मार्केटिंग के जरिए आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल सकता है। डिजिटल मार्केटिंग के जरिए, जैसा कि आप
डिजिटल मार्केटिंग कंपनी को आप कॉन्टैक्ट करिए इन इंडिया में कोई भी सिटी में या आपका सिटी में डिजिटल मार्केटिंग कंपनी आपका कंपनी को आपका कंपनी का वेबसाइट को आपका प्रोडक्ट सर्विसेज को सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में मार्केट करेगा ऑनलाइन में। तो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में जितने लोग ऑनलाइन यूज करते हैं इंटरनेट यूज करते हैं सर्च इंजिन में आपका कंपनी को ढूंढ पाएंगे और आपका प्रोडक्ट सर्विसेज का एडवर्टाइजमेंट उनको दिखाई देगा और काफी सारे वेबसाइट्स हैं इन सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, ठीक है। तो उसके जरिए भी आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल सकता है। तो आप कोई भी डिजिटल मार्केटिंग को कॉन्टैक्ट करिए तो आपको मदद कर सकते हैं सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में एडवर्टाइजमेंट करने के लिए ऑनलाइन में। नहीं तो आप हमारे कंपनी को आप कॉन्टैक्ट करिए, हम आपको मदद करेंगे डिजिटल मार्केटिंग कैसा होता है, कैसे आप सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में मार्केटिंग करोगे, ठीक है। और आप सेंट्रल अगर ज़्यादा बजट है तो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में खुद का बिजनेस स्टार्ट करिए, खुद का मार्केटिंग ऑफिस कर रखिए, वेयर हाउस रखिए, इंडिया से इंपोर्ट करके वेयर हाउस रखिए और डिस्ट्रीब्यूट करिए, वहाँ डिस्ट्रीब्यूटर्स एजेंट को अपॉइंट करिए और कई इजीली आप वहाँ एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इजीली वहाँ सेल कर सकते हैं, ठीक है। आगे मैं एक वीडियो बनाऊंगा, आगे एक टॉपिक में वीडियो बनाऊंगा कैसे आप सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में खुद का बिजनेस स्टार्ट करोगे, कितना खर्चा आएगा, कंपनी फॉर्मेशन के बारे में बताऊंगा। तो आप मेरे वीडियोस देखते रहिए, इस वीडियो में मैं बताता रहता हूँ एक्सपोर्ट के बारे में, इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में और इन्वेस्टमेंट इन इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्टमेंट के बारे में बताता रहता हूँ। तो मैं आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले काफ़ी सारे वीडियो का इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे सकूँ। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।